हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। साल 2007 में फिल्म आई थी अपने, इसमें पूरा देओल परिवार दिखा था, पूरा कहें या फिर मैं ये कहूं कि धर्मेंद्र और उनके दोनों बेटे दिखाई दिए थे। मल्टी स्टारर फिल्म थी, फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था, बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था। और अब अपने का सीक्वल आ रहा है और इस बात की जानकारी धर्मेंद्र ने भी दी है, सनी देओल ने भी दी है और बहुत खुशी उन्होंने जाहिर करते हुए लिखा है कि हम आपसे ये जो गुड न्यूज़ है ये साझा करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब हम इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं। और देखिए, सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये है कि इस बार अपने के सीक्वल में एक और देओल शख्स की एंट्री होने जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि सनी देओल के बेटे करण देओल हैं। करण देओल भी इस फिल्म में नजर आएंगे और इस बात को ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है सनी देओल ने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं धर्मेंद्र ने ट्वीट करके क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, सभी वेलविशर्स के आशीर्वाद से ऑडियंस के लिए अपने टू लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने लिखा, उनकी कृपा से, आपकी शुभ इच्छाओं से हमने अपने टू को बनाने का फैसला किया है। बता दें आपको, लंबे वक्त से धर्मेंद्र फिल्मों से भी दूर हैं और साथ ही साथ माया नगरी से भी दूर हैं। दरअसल वो लॉकडाउन के दौरान ही अपने फार्म हाउस पर चले गए थे और वहीं पर रह रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने टू का ऐलान हो गया है, जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होगी। धर्मेंद्र इसमें नजर आएंगे, बॉबी देओल नजर आएंगे, सनी देओल नजर आएंगे और करण देओल नजर आएंगे। फीमेल लीड स्टारकास्ट कौन होगी ये अभी फिलहाल तय नहीं हो पाया है। कहा तो ये जा रहा है कि पुरानी स्टारकास्ट को ही एक बार फिर से इस फिल्म में लाया जा सकता है, लेकिन अभी इस पे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। तो बता दें आपको, ये एक ऐसे परिवार की कहानी थी, एक ऐसे पिता की कहानी को इसमें दिखाया गया था जो चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो रिंग में धमाल मचाएं, जो बॉक्सिंग करें। छोटा बेटा ये सपना पूरा नहीं कर पाता, लिहाजा बड़ा अपने पिता के सपने को पूरा करने में लग जाता है। अब ये देखा जाएगा, इस फिल्म का ऐसा माना जा रहा है कि करण देओल भी इसमें बॉक्सिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उसी कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है जहां पर पहली कहानी को छोड़ा गया था। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। तो बताइए कमेंट करके अगर अपने देखी है और वो आपको कैसी लगी थी, और क्या आप भी अपने टू को देखने का इंतजार कर रही हैं, और एक तरीके से देओल परिवार फिर से कैसे स्क्रीन पर नजर आने के लिए कमर कस रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा।